कम या ज़्यादा करना है थिकनेस को, तो यहाँ से आप इसके इक्वल भी कर सकते हो, थोड़ी सी इसको बढ़ा भी सकते हो लाइटिंग को, और चारों तरफ लाइटिंग दौड़ती रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, इसको लाइटिंग इफेक्ट में आना है और यहाँ पे फेज में आना, फेज में यहाँ पे आना और यहाँ पे स्टार्टिंग में 0-0 कर देना, और लास्ट के अंदर आपको क्या है, एक या दो जितना करना चाहते हो, जितनी लाइटिंग रखना चाहते हो उसके अनुसार करना। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, तो ये लाइनिंग बढ़ जाएगी इस तरीके से, पूरा दो कर देती हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लाइटिंग इफेक्ट इस पे इस तरीके से लग गया है। और ड्रॉ वाला लगाना चाहते हो तो पीछे देखो, प्रोजेक्ट पड़ा है मेरे ट्रायंगल का, तो इसका कॉपी कर लेना, कॉपी। सो ये ड्राइंग का ही करना है कॉपी, कॉपी। और इसमें आगे इस तरीके से पेस्ट कर देना, तो ये ड्रॉ होता जाएगा। कलर इसका भी चेंज करना चाहते हो तो कलर इसका भी चेंज कर सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, और बॉर्डर का जो कलर है वो लोगे तभी आपको वो पट्टी इसका कलर, तो आपको ब्लैक रखना है। बॉर्डर का कलर जो है वो आपको वैसा लेना जैसा आप चाहते हो। ये देखिए, लाइट का भी वही ले लीजिएगा आप, इलेक्ट्रिक का। तो यहाँ से इस तरीके से, और पास में करना चाहते हो तो इस तरीके से इसको खोलिएगा और थिकनेस जो है इसको कम कर दीजिएगा। डिस्टेंस जो है वो कम रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसके बढ़ा भी सकते हो, इक्वल भी कर सकते हो। ये देखिए, बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, इक्वल करना चाहते हो तो इक्वल कर सकते हो। और ये लाइटिंग जो है चारों तरफ ये फेज के थ्रू ही दौड़ेगी। ये देखिए, लाइटिंग इफेक्ट ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी शेप में लगा दीजिएगा इसको। पैसा की जानकारी पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना।